अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं सऊदी अरब से। मेरा सवाल यह है कि कैंप में हाफ पैंट पहन के घूमना, यहाँ पे सिर्फ लड़के होते हैं, और रूम में हाफ पैंट पहन कर टखनों से ऊपर सोना, रूम में एक रूम में तीन चार आदमी होते हैं, तो क्या ये इस्लाम में हराम है ऐसा हाफ पैंट पहनना? जरा इस्लाम की रोशनी में जवाब। ये एक भाई साहब का सवाल है जो पूछ रहे हैं कि रूम वगैरह में हाफ पैंट पहनना कैसा है। हाफ पैंट यानी जिससे रान का कुछ हिस्सा यानी पैर की रान का कुछ हिस्सा नजर आता हो, यही असल इनके पूछने का मकसद है। तो ये दुरुस्त है कि नहीं? तो देखिए, रान जो है यानी पैर वाली जो रान है वो शर्मगाह में शामिल है या नहीं, इस बारे में अहले इल्म की दो राय है। बहुत सारे अहले इल्म ये मानते हैं कि वो भी शर्मगाह का हिस्सा है और उसका छुपाना ये ज़रूरी है। इस सिलसिले में कुछ रवायात भी हैं सुनन अबी दाऊद और बहुत सारी कुतुब हदीस हैं, लेकिन वो रवायात जो बहुत ही क्लियर हैं, सरी हैं, वो ज़ईफ़ हैं, उनकी सनदें सही नहीं हैं। तो उन रवायात और ऐसी कुछ चीज़ों को बुनियाद बनाकर बहुत सारे अहले इल्म ने कहा है कि वो शर्मगाह का हिस्सा है, इसलिए उसका छुपाना ज़रूरी है। ये अहले इल्म की एक जमात की राय है। दूसरी तरफ बाज़ अहले इल्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये रान जो है शर्मगाह का हिस्सा नहीं है। मुआसिरीन में शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह की भी यही राय है कि रान ये शर्मगाह का हिस्सा नहीं है। और वो जो रवायात हैं जिनमें रान को शर्मगाह कहा गया है या उसको छुपाने की ताकीद की गई है, वो अक्सर ज़ईफ़ हैं। अगर उनको सही भी मान लें तो वो एक ताकीदी हुक्म के लिए है, छुपाने के लिए है, सतर के लिए कि उसको छुपाया जाए, नए कि आयन वो चीज़ भी शर्मगाह है। तो दूसरी जमात जो है अहले इल्म की, उनका कहना है कि ये रान जो है ये शर्मगाह में शामिल नहीं है, इसलिए आदमी इसको खोल सकता है। इन हजरात की जो सबसे मजबूत दलील है वो सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 371। एक लंबा वाक़या है, उसमें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं। उसमें यह जिक्र है कि अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कि थुम्मा हथर अल इज़ारु अन फ़ख़्ज़िही हत्ता इन्नी अनज़ुरु इला बयाज़ फ़ख़्ज़ि नबी इल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी कहते हैं कि आप का इज़ार खिसक गया और आप के रान की जो सफ़ेदी थी यानी रान की जो जगह थी यानी रान का कुछ हिस्सा सहाबी देख रहे थे। तो कहते हैं देखे अल्लाह के नबी सल्लम का कपड़ा वहाँ से खिसक गया, सहाबी ने देखा भी, तो अगर उस चीज़ का छुपाना ज़रूरी था तो अल्लाह के नबी सल्लम के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम उस पर इतनी तवज्जो करते कि ये सूरत हाल नहीं पेश आ सकती थी जो पेश आई। तो ये सूरत हाल पेश आना और रान का दिख जाना, सहाबी का देखना, सहाबी का उसे बयान भी करना, तो ये इस बात की बहुत ही मजबूत दलील है कि रान ये शर्मगाह नहीं है। अलबत्ता ये अहले इल्म इसके साथ ये भी कहते हैं कि बेहतर यही है कि उसको ढक के रखा जाए, यानी हाफ पैंट ना पहना जाए, ये अच्छी बात नहीं है, उसको ढक के ही रखना चाहिए, ये अच्छी बात। चलो कभी किसी वजह से हो गया, जैसे अल्लाह के मौसम का यहाँ पे खुल गया, इस तरह का कोई मामला हो, कहीं आदमी बैठा है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो उसकी गुंजाइश है, यानी वो शर्मगाह नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे मौके पे गुंजाइश है, लेकिन एक आदमी दीदा दानिश्ता बाकायदा हमेशा उसी लिबास में रहे, तो जो अहले इल्म कहते हैं कि ये रान शर्मगाह नहीं है, वो भी इस बात की हौसला अफजाई नहीं करते हैं कि आप जो है अंडरवेयर पहन के घूमें, हाफ पैंट पहन के घूमें, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि उसको ढक के रहना चाहिए। तो असल चीज़ मैंने आपके सामने वाजे कर दिया कि ये चीज़ शर्मगाह नहीं है। जो दूसरी तरफ के जो उलमा है वही बात मजबूत है, सही बुखारी की दलील बहुत मजबूत है जो लोग पेश करते हैं, इसलिए ये रान शर्मगाह तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको ढकना चाहिए। बल्कि बाज़ हालात में उलमा ने कहा है कि ढकना वाजिब है, गरचे वो शर्मगाह नहीं है लेकिन ढकना वाजिब है। मसलन कहीं फितने का खौफ हो, फितने का डर हो, तो वहाँ पर ढकना वाजिब है। तो कभी ऐसे हालात आ सकते हैं कि फितने का खौफ हो, अंदेशा हो फहाशी का, तो वहाँ पे ढकना ज़रूरी है। खुलासा यह है कि ईरान ये शर्मगाह में शामिल नहीं है, कभी खुल गया कोई मसला नहीं है, किसी वजह से आदमी ने खोल भी दिया कोई मसला नहीं, किसी ने देख लिया कोई मसला नहीं, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। तो जो लोग हाफ पैंट पहनते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक ही कमरे में रहते हुए इस तरह का नहीं करना चाहिए, फुल पहनना चाहिए उनको, पूरा पैजामा या पूरी पैंट पहने हाफ पैंट में नहीं रहना चाहिए, यही बेहतर है। उम्मीद है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।